आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों, मजदूरों और वनवासियों की जेब में पैसा आने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। पिछले साल हमने देखा है कि किसानों की ऋण माफी और 2500 क्विंटल में धान खरीदी से देशव्यापी मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। ये इस साल भी होगा। कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की। कोरोना संकट के इस विश्वव्यापी दौर में समस्त तरह की गतिविधियां ठप पड़ी हुई है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभी तरह की गतिविधियां। और सरकारों के सामने ये चुनौती है कि वो मानव जीवन की रक्षा के साथ साथ दूसरी गतिविधियों को किस तरह से संचालित करें जिससे जान भी रहे और जहान भी रहे। तो छत्तीसगढ़ सरकार इस संकट के दौर में किस तरह से काम कर रही है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं सीएम हाउस में, और हमारे साथ हैं सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जी। भूपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। 24 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, आप 24 में ही हैं, 2 महीने हो गया, 2 महीने में कैसा था आपका अनुभव सरकार चलाने का? मनोज जी, ये तो भारत सरकार ने 24 तारीख लॉकडाउन किया, हम लोगों ने तो उसे पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी। आपको याद होगा कि 13 मार्च के आसपास ही सारे स्कूल, कॉलेज, मंत्रालय और मॉल, थिएटर सब हम लोगों ने बंद कर दिया था, और 18-19 तारीख को आते आते 144 धारा हमने लागू कर दी थी, और 21 मार्च को ही लॉकडाउन हमने कर दिया था। और जितने भी लोग आए विदेश से उसको होम क्वारंटाइन किए, उसे सैंपल लिए, और इस बीच में एक नया अनुभव सबके साथ रहा है कि इतनी बड़ी महामारी इस पीढ़ी में तो पहली बार देखने को मिला है जो विश्वव्यापी हो, जिसका प्रभाव पूरे देश और दुनिया में रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को ये प्रभावित किया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे राजनीतिक करने वाले हों, चाहे नौकरी पेशा वाले हों, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग हों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोरोना अछूता रहा है। और बच्चे जो हमेशा खेलने कूदने के लिए बाहर, घर से बाहर जाते थे, उसके जीवन में भी प्रभाव पड़ा है, बड़ा अंतर आया है। तो शुरुआती तौर पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, फिर धीरे धीरे छूट देने का फैसला हुआ। शुरू में बहुत ही नियंत्रित था छत्तीसगढ़ में सब कुछ, अभी अभी अचानक मरीज पिछले 3-4 दिन से तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि कोरोना मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, लेकिन अचानक अभी फिर कुछ चिंतित है आप? देखिए, जब शुरुआत में हुआ तो हम लोगों ने तुरंत पकड़ा, जो विदेश यात्रा करके लौटे थे करीब 2100 लोग, उसको क्वारंटाइन में रखें। फिर जो आया कि 107 लोग तबलीगी जमात के लोग थे, जमात में गए थे मरकज में, तो उनको फिर खोजे, आइडेंटिफाई किए, उनको टेस्ट किए और उसको क्वारंटाइन में रखे, उसको भी नियंत्रित पाले थे, और केवल 3 केस हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बचा था। लेकिन अभी जो भारत सरकार ने फैसला किया कि श्रमिकों को आने दिया जाए, तो श्रमिक तो हमारे अपने हैं, और जो छात्र छात्राएं हैं वो भी अपने हैं, सब लोग गए हैं बाहर, वो आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो लोग वहां संक्रमित हुए थे वो आएंगे तो आंकड़े यहां बढ़ेंगे। लेकिन इसे घबराने की जैसी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने श्रमिक आए हैं और किस गांव, किस जिले के, किस ब्लॉक के, किस गांव से के वो श्रमिक हैं, ये शासन को पूरा पता है और उसके हिसाब से क्वारंटाइन बना के रखे हैं। और जैसे जैसे उसे सैंपल लेते जा रहे हैं, आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं, तो एक समय रहेगा जब आंकड़ा बढ़ना बंद हो जाएगा, और जैसे जैसे वो पता चल रहा है, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसका इलाज हमने शुरू किया है। तो करीब अभी 152 आंकड़ा अभी छुआ है, लेकिन ये है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता इस बात की सावधानी बरतने की है। जो हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग किए थे, जो मास्क लगाने का काम है, हाथ धोने का काम है, ये लगातार करते रहे हैं, उसी का हमको जारी रखना है। और उसके साथ साथ हम अपने जो काम है, चाहे नौकरी है, चाहे
मनरेगा का काम है, कृषि कार्य है, क्या व्यवसाय है, उसको हमको करना होगा, क्योंकि कोरोना के साथ हमको अभी जीना, ये कब तक चलेगा इसको कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये नियमों का पालन करते हुए हमको काम करने होंगे। बहुत चरणबद्ध तरीके से आपने जो निर्णय लिया, शुरू में लॉकडाउन था, सभी तरह की गतिविधियां ठप थी, फिर धीरे से आपने मनरेगा शुरू किया, मनरेगा में बहुत सारे लेबर एंगेज हुए, वन उपज संग्रहण तो पूरे देश का 90% यहीं से हुआ, इसके अलावा अभी अभी जो न्याय योजना शुरू की, तो ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि किसी तरह से जीने की समस्या लोगों के सामने। देखिए, आपको याद होगा मनोज जी, जब लॉकडाउन हुआ उस समय भी हम पूरी लॉकडाउन नहीं किए थे, दूसरे राज्यों में जहां दवाई वगैरह खुला हुआ था, पेट्रोल पंप खुले हुए थे और गैस एजेंसी खुले थे, हमारे यहां सब्जी बाड़ी भी हमने खोल के रखा था, वहां भी मजदूरों को काम करने के लिए भेजा, सब्जी उपलब्ध हो। जब आटे की कमी की शिकायत आई तो हमने फ्लोर मिल भी शुरू किया और सब जगह पहुंचाने भी काम किया, दाल मिल भी शुरू किए, अनाज की कहीं कमी नहीं होने दी, तो ये सब्जी के मार्केट भी खुले रहे, तो जो दैनंदिन जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति अबाध गति से चलती रहे, ये कोशिश हमारी सरकार की रही है। और जीवन कैसे सामान्य हो, इस दिशा में प्रयास होता रहा, लॉकडाउन रहा, दुकानें बंद थी, व्यापारी खरीद नहीं रहे थे, ऐसे में महुआ को आदिवासी फेंकने के लिए बाध्य होते, लेकिन उसके पहले ही हमने स्व सहायता समूह के माध्यम से खरीदी का फैसला किया और 17 रुपये का जो MSP है वो बढ़ के 30 रुपये किलो हमने खरीदी किया, जहां सब्जी के उत्पादक हैं उनको फेंकना पड़ा, उसमें हल चलाना पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लोग बाहर भेजते थे उसको तो रेट नहीं मिला निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ बराबर लोगों को सब्जी उपलब्ध हो ये कोशिश रही है, लेकिन लघु अनुपज है उसके उत्पादकों को रेट जबरदस्त इस समय मिला। तो ये हमारी कोशिश थी कि सामान्य हो, मनरेगा में भी 26 लाख लोग काम कर रहे हैं, ताकि एक तरफ ये है कि मेहनत करेंगे तो सारी क्षमता बनी रहेगी, दूसरा काम में लगे रहेंगे तो उसका मन भी लगा रहेगा, वो हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे, सशंकित नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, दूसरा आर्थिक रूप से वो निश्चिंत हो जाएंगे। एक तरफ हमने 56 लाख परिवारों को 70 किलो चावल दे दिया, अभी जून में फिर 35 किलो देंगे, तो ये 1 क्विंटल 5 किलो चावल प्रत्येक परिवार को मुफ्त में मिला है, तो एक आदमी अनाज की तरफ से निश्चिंत हो गया, दूसरे खर्चे के लिए भी पैसा जो चाहिए तो मनरेगा के तहत मिल गया, अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख परिवारों को हमने 5,750 करोड़ रुपया देने का फैसला किया, जिसके प्रथम किस्त 1,500 करोड़ रुपया दिया जा चुका है, तो हर वर्ग के लिए हमने व्यवस्था कर दी, व्यापारियों के लिए भी उनके ग्राहकों के जेब में पैसा डालने का काम कर दिया। पिछले साल भी मंदी का असर नहीं हुआ था, इस साल भी मंदी का असर नहीं होगा ऐसा मैं मानता हूँ। जी, काफी बीच में आपने पत्र लिखा भारत सरकार को, अलग अलग मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को खासतौर पर 30,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग भी की, और उस समय लोगों को ये डाउट होने लग रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा नहीं क्या, तो बहुत ज्यादा पत्र लिख रहे हैं, लेकिन न्याय योजना शुरू होते ही किसानों का आत्मविश्वास दिख रहा है, 70% जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जो है कृषि आधारित है और वो काफी चिंतित थे कि सरकार पैसा तो देना चाहती है पैसा नहीं है टाइप का, ये एक परसेप्शन बन रहा था, और उस बीच में आपने कैसे इस योजना को शुरू किया? देखिए, बजट में शामिल था ही और पैसे की मितव्ययता हमने बरती और पैसा बचा भी रखा था ताकि इस पैसे को दे सकें। दूसरी तरफ आप देखें बहुत सारे राज्य हैं वो भारत सरकार ने भी अपने कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह में 1/3 कटौती की, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं किया, जब तक के हमारे अर्थव्यवस्था हमको इजाजत दे रही है तब तक के हम अपने जो कर्मचारी अधिकारी के उसको वेतन में कटौती किसी प्रकार के नहीं करेंगे। तो इससे कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि एक सामान्य स्थिति बनी रहे, अर्थव्यवस्था भी संचालित होती रहे और लोग सामान्य जीवन जिए, इसके लिए हमने कोशिश की है, और देखिए आगे इतना कब तक ही कर सकते हैं, क्या होता है, ये अभी तो पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि
कि कोरोना का संकट और आगे कितना बढ़ता है नहीं बढ़ता है, लेकिन अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो इस कोशिश पूरी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। न्याय योजना के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहेंगे कि अभी जो 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त किसानों को दी गई है, बाकी 4 किस्तों में दिया जाना है। आपने कहा है उसमें कि धान के साथ साथ मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, इन सभी फसलों को शामिल करके दूसरे फसलों को भी प्रोत्साहित करेंगे। किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? जी, यदि केवल धान के उत्पादक किसानों को हम यदि पैकेज देते हैं तो दूसरे फसल लेने वाले किसान हैं वो हतोत्साहित होंगे और केवल धान की ओर प्रेरित होंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मक्का भी होता है, गन्ना भी होता है, दलहन तिलहन की भी फसल लेते हैं। तो इस साल हमने मक्का उत्पादक किसानों को और धान उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना दिया है। उसी प्रकार से जो गन्ना उत्पादक किसान है उसको तो 10,000 से बढ़कर 13,000 रुपये प्रति एकड़। धान में इतना रेट किसी ने नहीं दिया है, न मक्का में न ही गन्ना में, ताकि लोग दूसरी फसल भी लें। अगले साल हमारी कोशिश होगी कि जो दलहन तिलहन है उसमें भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको प्रोत्साहन राशि मिले ताकि उसका भी उत्पादन और बढ़ाए। तो क्या है आदान सहायता का मतलब? किसान जो है थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या फसल बेचने के बाद उनको पैसा मिलेगा या शुरू में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उस समय उनको पैसा मिलेगा? देखिए, अभी तक ये है कि धान के किसान हैं वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सोसाइटी में धान बेचने आते हैं। मक्का है वो शक्कर कारखाने में बेचने जाते हैं। उसी प्रकार से जो गन्ना है वो शुगर मिल में जाते हैं। मक्का उत्पादक भी मंडी में आके रजिस्ट्रेशन कराएंगे और विक्रय करेंगे तो उनको उसका लाभ मिलेगा। मतलब विक्रय के बाद ये जो 10,000 और 13,000 जो मिलना है विक्रय के बाद मिलेगा। जी जी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उस दिन, मैं देख रहा था जिस दिन इस योजना की लॉन्चिंग हुई और राहुल जी जुड़े थे, सोनिया जी जुड़ी थी, उस दौरान आपने कहा कि भूमिहीन किसानों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसकी मांग काफी दिनों से होती रही क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अधिया में खेती करते हैं, रेगहा में खेती करते हैं और जो पंजीयन वगैरह का लाभ जो है वो भूमि मालिकों को मिल जाता है और वो वास्तविक लाभ से वंचित हो जाते हैं, तो उनकी संख्या काफी है। देखिए, सोनिया जी और राहुल जी की प्रेरणा रही है कि जो भूमिहीन श्रमिक हैं, कृषक नहीं, भूमिहीन श्रमिक, उसके लिए भी ये न्याय पार्ट टू हम लोग लाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, वो 2 महीना में अध्ययन करके उसको कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे और विचार विमर्श करके वो जो भूमिहीन श्रमिक है उसके साथ भी न्याय हो, उसे भी कुछ राशि मिले, नगद राशि मिले, ताकि उनके भी परिवार को संचालित करने में सहायता मिले। तो हमारे ये दूसरा प्रोजेक्ट है, वो आने वाले महीनों में दिखाई देगा। राहुल जी ने काफी तारीफ की और इसको मॉडल बताया, खासतौर पर इस कोरोना संकट के काल में, और उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा कि इसी तरह से केंद्र से उम्मीद थी कि वो डायरेक्ट बेनिफिट की कोई स्कीम लाए, लेकिन उनका जो पैकेज है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। मनोज जी, आपको याद होगा जब ऋण माफी का प्रमाण पत्र बांटने और 25 रुपये क्विंटल के चेक बांटने के लिए हम राहुल जी बुलाए थे, लोकसभा का आचार संहिता लगने के पहले की बात, इसी रायपुर नए राजधानी में हमने बुलाया था, उसी समय उन्होंने न्याय योजना की बात की थी। छत्तीसगढ़ की धरती से ही न्याय योजना के बारे में पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि न्याय योजना सबसे पहले उसका एक हिस्सा ही सही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। आगे भी इस योजना को हम बढ़ाएंगे और उनका सीधा कहना है कि मंदी के समय में यदि श्रमिकों के, किसानों के जेब में पैसा डालेंगे तो मंदी से उभरा जा सकता है। और आपको याद होगा 2008 में जब पूरी दुनिया में मंदी था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने मनरेगा शुरू किया था और देश में मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। पिछले साल भी जहां हमने ऋण माफी किया था, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदा था, तो देश में जहां मंदी थी छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं हुआ था। तो ये अजमाया हुआ एक फार्मूला है और इसको भारत सरकार को भी अडॉप्ट करना चाहिए। ये बात तो राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि अभी जो मजदूर खाली बैठे हैं, अपने घर लौटने जा रहे हैं,
यदि उनको 7,500 रुपए उनके जेब में डाल दिया जाए तो क्यों वापस लौटेगा, क्यों परेशान होगा? तो हमको कोरोना के साथ ही जीना होगा। ये राहुल जी बार बार कह रहे हैं आर्थिक गतिविधि हमको संचालित करनी होगी। अब खबरें आ रही दिल्ली सारे मजदूर निकल गए, अब वो जो इंडस्ट्री है वो चलाने के लिए श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, वो लोन लिए हैं उसका किस्त नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री अलग बैठेगी, श्रमिकों को वो बेरोजगार होंगे वो अलग, दोहरा नुकसान हो रहा है। तो इस बात के बारे में तो राहुल जी बार बार कर रहे हैं। तो ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात केंद्र सरकार ने कही, 4 दिन तक लगातार वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसको डिटेल में समझाया, आपको कितना समझ में आया वो? इसमें मनोज जी ये 20 लाख करोड़ में कितना शून्य होता मालूम है आपको? 13 शून्य। इसका मतलब 13 हिस्से में शून्य ही है। तो अभी तक के जब से लागू किए हैं उसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं आया, केवल शून्य आया है। जैसे हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 21 तारीख को हमने सब खाते में डाला, आप पता कर लिए, आप भी किसान हैं, आपके खाते में पैसा आया होगा, आ गया ना? तो ये योजना का लाभ है कि जिस वर्ग के लिए हमने लागू किया उसके खाते में पैसा पहुंच गया। 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया है, किसके खाते में 5 पैसा आया है, 5 रुपया है ये बता दें, तो वो 13 शून्य है, तो 13 शून्य ही रहेगा। इस दौरान ये देखा गया है कि शुरुआती तौर पे तो ऐसा लगा जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर सभी एक साथ काम करते दिखे, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि सियासत होने लगी इस संकट के समय भी। इसको कैसे देखते हैं आप? आरोप प्रत्यारोप सरकारों पे, खासतौर पे जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वहां पे लगातार ये कि जैसे ट्रेनों का मजदूर को हम भेजना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है, इस तरह का बात, राज्य सरकार ट्रेनों का खर्चा नहीं दे रही है। इसके अलावा अभी राज्य के अंदर रोज प्रेस विज्ञप्ति आती है कि सरकार ने किया गया है, 30 रुपए का चावल ही तो दिया है, इसके अलावा क्या किया है बता दें, इस तरह की बातें होती है। जबकि छत्तीसगढ़ का नतीजा ये कहता है कि जिस तरह से शुरू से सिचुएशन को हैंडल किया गया, तेजी से यहाँ पर जो पॉजिटिव पेशेंट है वो ठीक होकर जाते गए और एक समय लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि एक भी मौत नहीं हुई, ये बड़ी बात है। हालांकि उसमें भी कहते हैं कि कहाँ से ठीक हुए, एम्स से ठीक हुए और एम्स हमारी देन है। देखिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है, राजीव गांधी किसान योजना के तहत पैसा देने का काम किया है, 26 लाख मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं, 13 लाख जो आदिवासी परिवार हैं उसके खाते में इस साल 2500 करोड़ रुपए जाने वाला है, तो पैसा देने का काम। जो 56 लाख परिवार हैं उसको 1 क्विंटल 5 किलो चावल मिलेगा और 1 किलो चावल 35 रुपये का आता है, तो भार तो राज्य सरकार पे आएगा। पहले सब्सिडी दे रहे थे और पूरा हमने छूट दिया और उपलब्ध कराया, तो ये काम तो राज्य सरकार ने किया नहीं, इसको इनकार कर सकते हैं। यदि दूसरी जगह एम्स भी है, वहां क्यों मौतें हो रही है? क्योंकि संख्या बहुत अधिक आ रही है, देख रेख नहीं हो पा रहा है, गंभीर हो रहे हैं, हम पहले ही इसको पकड़ लिए जिसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव थे, उसका भी भर्ती हमने कराया। तो आंकड़े रोकने में पहले हम सफलता मिली, आंकड़े बढ़े नहीं, बिल्कुल मैं बधाई देना चाहूंगा एम्स के डॉक्टर को, नागरकर और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, खुले मन से दे रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वो डॉक्टर अब वो किसका है ये कहने क्या आवश्यकता है, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि उपलब्ध आपने नहीं कराया लेकिन हमने कहा कि भाई ये बचाव में ही सुरक्षा हमारी है, तो हमने सबको होम क्वारंटाइन रखा कि दूर रहो सबसे, यदि वैक्सीन मिल जाता है, किट मिल जाता है, इलाज मिल, सबके सैंपल ले लेते तो और आसानी होती, लेकिन आपने उपलब्धि नहीं कराए। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं। ट्रेन चलाने की बात जहां तक है, यदि लॉकडाउन के पहले ही ट्रेन चला देते, सबको मजदूर कर देते, आप अपने अपने राज्य जो जाना चाहते हैं चले जाए, तो स्थिति भयावह नहीं होती। आज देश में दुनिया में जो लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, बिना चप्पल के चले, पैर में फफोले पड़े, पूरे परिवार के साथ चल रहे हैं, बैल के साथ जूते जूत के गए हैं, इससे भयावह दृश्य तो आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं देखा होगा। जो आज देख रहे हैं किस पीड़ा के साथ वो मजदूर गए उसके बारे में कोई चर्चा करता है?
लास्ट जबरगी जी से मेरी बात हो रही थी ऑनलाइन, उनका इंटरव्यू ले रहा था, उनका कहना था, यही सवाल मेरा भी था कि ये लॉकडाउन यदि जिस तरह से आपने नोटबंदी की हड़बड़ी की उसी तरह से लॉकडाउन यदि एक हफ्ते बाद किया जाता तो शायद सभी मजदूर अपने अपने जगहों पर शिफ्ट हो जाते और इतना ज्यादा संक्रमण नहीं फैलता। इस पर उनका जवाब था कि कुछ फिगर बताए, 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अपने घरों से दूर जाकर मजदूरी करते हैं और उनको कैसे संभव है ये विपक्ष ही बता दे, 4 करोड़ से कुछ ज्यादा का फिगर अभी कैसे आ रहे हैं। अभी भी आपने ट्रेन की व्यवस्था की, क्या कहते हैं कि आप दो राज्यों से जब तक मैं मान लो लेना चाहता हूं छत्तीसगढ़ से, तो दूसरा जो राज्य है सहमति जब तक नहीं देगा ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन तो आपकी है, आपको बता, हम आंकड़े दे दिए भाई, हमारे जम्मू कश्मीर में इतने मजदूर हैं, दिल्ली में इतने हैं, कि तमिलनाडु में इतना है, कर्नाटक में इतना है, हमने आंकड़े दे दिए उनको, गुजरात में हमारे इतने हैं, उसको बता देते भाई आपके इतने मजदूर हैं, पैसा हमसे लिया गया, आप 6 करोड़ रुपया आप पीएम केयर में दे सकते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए आप पैसा वसूल कर रहे हैं, राज्यों से मजदूरों से पैसा वसूल कर रहे हैं, शर्मनाक नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सहमति लेने के चक्कर में कई दिन निकल गया, श्रमिक को लगा कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ, पूरे परिवार के साथ सड़क में उतर गए। यदि केवल ये है कि इतने श्रमिक इस राज्य के हैं, वो इस राज्य जाना चाहते हैं, स्टार्ट से टू एंड आप बता देते, वो व्यवस्था करके रखते और ट्रेन चली जाती, तो आज जो स्थिति है वो नहीं होती। आज आप कह रहे हैं ना कि ट्रेन चलेगी, 300 ट्रेन चलेगी रोज, अब तो नहीं करें क्वारंटाइन में रखें, आप हवाई जहाज घरेलू हवाई यात्रा शुरू होगी उसके बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं है। आपने पत्र लिखा है, पत्र लिखा है, हम तो क्वारंटाइन में रखेंगे उसको, इतने मेहनत किए हैं, इतना बचा कर रखे हैं, आप क्या खुला छोड़ दें? क्या कुछ जवाब आया पत्र? अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जो भी आएगा वो उसको हम क्वारंटाइन में रखेंगे। जी सर, मजदूर शुरू से एक बड़ी समस्या के रूप में दिखे, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ बहुत सारे मजदूर राज्य के अंदर के भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते हुए दिखे, हालांकि बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद की, सरकार ने भी बहुत सारे आश्रय स्थल बनाए थे खासतौर पे दूसरे राज्यों से मजदूर जो ट्रांजिट हो रहे थे। अभी अभी थोड़ी सी समस्या काफी दिख रही है, जब टाटीबंध में रोज हजारों की संख्या में मजदूर जमा हो रहे हैं, कुछ दिन समस्या आई, फिर राज्य सरकार ने बसों की व्यवस्था की, क्या लगता है ये कब तक चलेगा मजदूरों का? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, अब जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्र तेलंगाना से जो मजदूर आ रहे हैं, वो कोई बंगाल पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं, कोई उड़ीसा जा रहे हैं, कोई झारखंड जा रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश बिहार जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो ये हमारे प्रदेश से गुजर रहे हैं और रोज 10-15 हजार मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं, और उनके लिए फिर हम भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, बस की भी व्यवस्था कर रहे हैं, चप्पल जूता भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको असुविधा ना हो। तो ये क्योंकि तत्कालिक जब परिस्थिति आती है तो उस समय जो व्यवस्था की जाती है, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो फिर सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है, तो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि हम दूसरे राज्य के श्रमिक को भी अपना मेहमान समझ के व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं उसके तहत हम कर रहे हैं, और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं उन्होंने भी भोजन चप्पल जूता सबकी व्यवस्था की, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन लगातार हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं लगे हुए हैं, और जो काम करने वाले हैं आप बैठे बैठे सोशल मीडिया में ट्रोल करेंगे तो बेहद दुखद है। आप भी मेहनत करें, आप भी सहयोग करें, संकट केवल संकट से निपटने की जिम्मेदारी केवल अधिकारी कर्मचारियों की नहीं है, जो लिखने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो कुछ करें, और उनको बताना चाहिए कि हाँ मैंने 2 मजदूरों को या 1 मजदूर को भोजन कराया और उसको गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की जाए, उसे जितना सहयोग बन पड़े वो करना चाहिए और उसको डाले सोशल मीडिया में, ज्यादा अच्छा होता। अभी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की क्या स्थिति है? आपने बताया था कि 1,17,000 करीब हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अभी कितने आ गए हैं? देखिए, 39 ट्रेनें हमारे आ चुकी है, 53 ट्रेनें हमने डिमांड की है, और अभी तक 1,00,000 ऊपर मजदूर हमारे आ चुके हैं, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे वो बस है, ट्रक है, या सीमावर्ती राज्यों से पैदल भी आ गए हैं, क्योंकि बहुत लगा हुआ है तो उससे भी आ गए हैं, तो
और वो सब क्वारंटाइन सेंटर में है। अब जो प्रेशर है, चाहे दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों की हो, चाहे दूसरे राज्य से हमारे छत्तीसगढ़ आने वाले मजदूरों की, अब वो प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं समझता हूँ 8-15 दिन में सब सेटल हो जाएगा आधा दिन। जी जी, एक चीज ये देखा गया है इस समय खास बात की, बहुत सारे जो लौट के आए दूसरे राज्यों से मजदूर, छत्तीसगढ़िया मजदूर, उनसे जब हमने बात की तो वो अब कान पकड़ रहे हैं, जब वो बाहर नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे। क्या लगता है इससे लोड पड़ेगा क्या राज्य सरकार के ऊपर या राज्य के संसाधनों पर? ये तो उन राज्यों में जहाँ श्रमिकों की अधिक है, उन सभी राज्यों की इस प्रकार से लोड पड़ेगा, चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ये सभी राज्यों में जहाँ जहाँ श्रमिक अधिक, मैं तो 2-4 राज्यों का नाम दिया, लेकिन उन राज्यों के लिए भी बहुत आर्थिक रूप से हानि होने वाली है जहाँ श्रमिकों का आवश्यकता है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे उड़ीसा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे हरियाणा, पंजाब हो, दिल्ली हो, यहाँ श्रमिकों का आवश्यकता पड़ती है। और वो श्रमिक नहीं है तो उनकी भी आर्थिक गतिविधि संचालित करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है, ये असंतुलन पैदा हुआ है। क्या लगता है, बहुत सारे पत्र आपने लिखे हैं भारत सरकार को, अब वित्तीय स्थिति को आगे आने वाले दिनों में सुदृढ़ करने के लिए क्या कुछ, लगातार आपने बातचीत भी की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री से, कुछ उम्मीद जग रही है क्या कि कुछ सहायता मिलेगी उधर से? ठीक है, हमारी कोशिश मांगने की है, देना नहीं देना उनके हाथ में, लेकिन वस्तु स्थिति से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। आर्थिक स्थिति के बारे में बताने की जरूरत है, जो अभी जो परिस्थिति बनी है उसके बारे में अवगत कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अवगत लगातार करा रहे हैं पत्रों के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। सुनना नहीं सुनना भारत सरकार का काम है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, देश की जनता अभी बहुत ही सशंकित है, खासतौर पर अभी मामले जो सामने आ रहे हैं, हालांकि आपने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सरकार की सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को? मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जनता ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने, सामाजिक संगठनों ने, मीडिया के लोगों ने, प्रथम चरण के जो कोरोना का जो अटैक हुआ उससे बहुत ही साहसपूर्वक और सफलतापूर्वक आपने उसका सामना किया है, वो इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा है। अभी दूसरा जो आया है, पहला चरण में तो जो विदेश से आए, दूसरे चरण में जो मरकज से जो आए, अभी तीसरा चरण मैं कह सकता हूँ जिसमें हमारे श्रमिक भाई और छात्र छात्राएं लौट के आए हैं, वो उसमें से कुछ हो सकता है कि संक्रमित हो, लेकिन उनके साथ सद्भावनापूर्वक आप लोगों को व्यवहार आप सबसे अपेक्षित है। साथ ही जब आप एक प्रथम दो चरण आप पार कर लिए हैं तो तीसरे चरण भी आप पार करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, और इसे न डरने की जरूरत है न घबराने की जरूरत है। फार्मूला केवल वही है कि बचाव में ही सुरक्षा है, तो आप हाथ पैर धोते रहें, मुंह में और नाक को ढक के रखें, मास्क लगाएं, गमछा लगाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने जो रोजगार के काम हैं उसे आप करते रहें, चाहे ऑफिस पे हो, चाहे वो व्यावसायिक परिसर हो, चाहे आपके कृषि कार्य हो, इसको लगातार आपको करते रहना है। बचाव में सुरक्षा है, डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आंकड़े थोड़े से बड़े ही दिखाई दे रहे हैं, स्वाभाविक है कि अन्य राज्यों से जो संक्रमित लोग आए हैं इस कारण से आंकड़े बढ़े हुए हैं, और ये संभावित भी था, ये आंकड़े थोड़े से और बढ़ जाएंगे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप व्यक्ति से व्यक्ति दूरी बना के रख के चलें, पुनः दोहराऊंगा कि हाथ पैर धोते रहें, मुंह में गमछा या मास्क लगा के रखें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस कोरोना तीसरे चरण के कोरोना से भी हम विजय प्राप्त करेंगे, उसे पराजित करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सबसे अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है, संयम और अनुशासन बना के रखें, थोड़े से धैर्य की और जरूरत है, और इस धैर्य अनुशासन और साहस से इस कोरोना को परास्त करेंगे, यही मैं आप सबसे अपील करना। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। तो मुख्यमंत्री विपरीत परिस्थितियों के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, उनका मानना है कि जिस तरह से सभी के सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से, जब से कोरोना का पहला मामला आया है तब से लगातार सरकार
चुनौतियों से निपट रही है और लगातार सभी स्थिति में उनको सफलता मिली है और उन्होंने पूरी तरह से विश्वास जाहिर किया है कि यदि इसी तरह का साथ आने वाले दिनों में भी बना रहेगा तो आने वाले दिनों में जरूर वो जैसे पहले कोरोना पर विजय पाते रहे हैं वैसे आने वाले दिनों में भी विजय पाएंगे। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ मनोज सिंह बघेल, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।